स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसका जो रोटर का जो रेसिस्टेंस था वो कम था। रोटर का रेसिस्टेंस कम होने की वजह से जो स्टार्टिंग टॉर्क हमें जो मिल रहा था वो हमें कम मिल रहा था। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है इसकी जो स्टार्टिंग जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो पुअर होती है, मगर इसकी जो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एक्सेलेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जिसका जो स्टार्टिंग का जो टॉर्क हमें जो मिल रहा था वो हमें कम मिल रहा था। स्टार्टिंग का टॉर्क हमें कम इसलिए मिल रहा था क्योंकि जो रोटर का जो रेसिस्टेंस था वो कम था। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए हमने एक नई मोटर डिज़ाइन करी और वो जो मोटर है उसको हम लोग बोलते हैं हाई टॉर्क केज मोटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो हाई टॉर्क केज मोटर जैसे कि हमने डिस्कस किया इसका हमें बेसिकली दो कंस्ट्रक्शन मिलता है। एक जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है डिप बार रोटर कंस्ट्रक्शन और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है डबल केज रोटर कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिप बार रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिप बार रोटर कंस्ट्रक्शन, तो डिप बार रोटर कंस्ट्रक्शन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें रोटर में बेसिकली एक स्लॉट होता है और वो जो स्लॉट होता है उसका जो डेप्थ होता है बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये स्टेटर हमने कंसिडर किया और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया रोटर। यहाँ पर ये जो रोटर है इसमें हमें कुछ इस तरीके से स्लॉट दिखाई देता है और ये जो स्लॉट है इसका जो डेप्थ होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये जो स्लॉट होता है बहुत ज़्यादा गहरा होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया स्टेटर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया रोटर। यहाँ पर ये जो गैप हमें जो दिखाई दे रहा है वो है एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। और यहाँ पर ये जो हमें जो स्लॉट है जो दिखाई दे रहा है स्लॉट में हम लोग बेसिकली रखते हैं कंडक्टर रोटर बार रखते हैं और वो जो रोटर बार होता है उसमें अलग अलग सेक्शन मिलता है, मतलब कुछ इस तरीके से हमारे पास रोटर कंडक्टर होता है और इसमें हमें अलग अलग सेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रोटर कंडक्टर हैविंग डिफरेंट सेक्शन, यहाँ पर ये सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री सेक्शन फोर और यहाँ पर ये सेक्शन फाइव। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रोटर कंडक्टर है उसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लॉट में रखते हैं, तो हम लोग ये वाली फिगर में देख सकते हैं। तो जो रोटर कंडक्टर है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लॉट में रखा और बहुत अच्छे क्लियर है कि जो रोटर कंडक्टर है इसमें हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ये रोटर कंडक्टर में हमें अलग अलग सेक्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया सेक्शन वन, यहाँ पर ये सेक्शन टू सेक्शन थ्री सेक्शन फोर और सेक्शन फाइव, ऐसे बहुत से सेक्शन हो सकते हैं मगर यहाँ पर हमने पाँच ही सेक्शन कंसिडर किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एयर गैप होता है वो इंक्रीज़ करते जाता है जैसे हम लोग सेक्शन में इंक्रीज़ करते जाए, मतलब हम लोग वन से फाइव की तरफ प्रोसीड करते जाए, जैसे जैसे हम लोग सेक्शन में आगे प्रोसीड करते जाए तो होगा क्या, जो एयर गैप होगा वो इंक्रीज़ करता जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेक्शन वन और यहाँ पर ये स्टेटर दोनों के बीच का जो गैप है वो कम है, सेक्शन टू और यहाँ पर ये स्टेटर दोनों के बीच का जो एयर गैप है वो बढ़ गया, सेक्शन थ्री और स्टेटर दोनों के बीच का डिस्टेंस और बढ़ गया एयर गैप बढ़ गया, सेक्शन फोर और स्टेटर दोनों के बीच का गैप बढ़ गया मतलब एयर गैप बढ़ गया, सेक्शन फाइव और स्टेटर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब जो एयर गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो एयर गैप होता है वो इंक्रीज़ करता जाता है जैसे हम लोग मूव करते जाए सेक्शन वन से सेक्शन फाइव की तरफ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया और यहाँ पर ये एयर गैप इंक्रीज़ होने की वजह से होता क्या है, एयर गैप इंक्रीज़ होने की वजह से जो लीकेज फ्लक्स है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू इंक्रीज़ इन एयर गैप इंक्रीज़ होने की वजह से जो लीकेज फ्लक्स है वो भी इंक्रीज़ करने लगती है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया डिप बार रोटर कंस्ट्रक्शन में हमें क्या मिलता है, इन डिप बार रोटर कंस्ट्रक्शन रोटर कंसिस्ट ऑफ अ स्लॉट हैविंग वेरी हाई डेप्थ। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया डिप बार रोटर कंस्ट्रक्शन में जो रोटर होगा उसमें हमें स्लॉट मिलेगा और वो जो स्लॉट है उसकी जो डेप्थ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और वो जो स्लॉट है उसमें हम लोग क्या रखते हैं, रोटर रखते हैं, रोटर के बार्स रखते हैं और वो जो रोटर बार्स होता है उसमें हमें अलग अलग सेक्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी होगा क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया नोट डैट इन दिस मोटर एयर गैप कीप ऑन इंक्रीजिंग, जैसे कि हमने डिस्कस किया है मोटर में जो एयर गैप होता है वो इंक्रीज़ करता जाता है जब हम लोग मूव करते जाए सेक्शन वन से सेक्शन फाइव की तरफ, जैसे जैसे हम लोग सेक्शन में आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो जो एयर गैप होता है वो इंक्रीज़ करता जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एयर गैप इंक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, जो फ्लक्स लीकेज है वो इंक्रीज़ होती है, फ्लक्स लीकेज इंक्रीज़ होने की वजह से फ्लक्स लीकेज या फिर हम लोग बोल सकते हैं लीकेज फ्लक्स। तो एयर गैप इंक्रीज़ होने की वजह से जो लीकेज फ्लक्स है वो इंक्रीज़ होती है और ये लीकेज फ्लक्स इंक्रीज़ होने की वजह से होता क्या, जो लीकेज रिएक्टेंस है वो इंक्रीज़ होने लगता है, जो लीकेज रिएक्टेंस है वो इंक्रीज़ होने लगता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू इंक्रीमेंट इन लीकेज रिएक्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से होता क्या है, जो करंट होता है वो कंसनट्रेट हो जाता है ऊपर के सेक्शन की तरफ, लीकेज रिएक्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से होता क्या, जो ऊपर का जो सेक्शन है पहला दूसरा सेक्शन वहाँ पर जो करंट का जो कंसनट्रेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है स्टार्टिंग के टाइम एज़ कम्पेयर टू बॉटम सेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू इंक्रीमेंट इन लीकेज रिएक्टेंस करंट इज़ कंसनट्रेटेड ओवर टॉप सेक्शन वन एंड टू एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एज कम्पेयर टू बॉटम सेक्शन थ्री फोर एंड फाइव,
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो करंट है वो ऊपर के सेक्शन में ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सेक्शन वन और जो सेक्शन टू है, इसमें जो करंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। ऊपर के सेक्शन में जो करंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द सेक्शन, जिसके वजह से हो क्या रहा है, यहाँ पर जो करंट है उसका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। करंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से होता क्या है, करंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से होता क्या है, जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। और अगर स्टार्टिंग के टाइम अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज़ कर गया तो ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, करंट के नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है रोटर कंडक्टर का वो डिक्रीज़ कर जाता है स्टार्टिंग के टाइम, जिसके वजह से होता क्या है, जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल जो रेसिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो करंट है उसका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से होगा क्या, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से होगा क्या, वो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो रेसिस्टेंस इंक्रीज़ करने की वजह से जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रोटर कंडक्टर डिक्रीजेस। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है रोटर कंडक्टर का वो कम हो जाता है स्टार्टिंग के टाइम, जिसके वजह से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीमेंट होने की वजह से होता क्या है, जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाता है स्टार्टिंग के टाइम, और जो टॉर्क है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रोटर कंडक्टर डिक्रीजेस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। ड्यू टू डिक्रीमेंट इन इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए एट स्टार्टिंग टाइम एंड टॉर्क इंक्रीजेस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसको अगर हम लोग समराइज करें, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन रोटर कंडक्टर, रोटर कंडक्टर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से होगा क्या, जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कंडक्टर का स्टार्टिंग के टाइम वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। कंडक्टर का इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से होगा क्या, जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, और रेसिस्टेंस इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो मोटर का जो टॉर्क है वो इंक्रीज़ कर जाएगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो करंट के नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन आ सकता है, इन केस ऑफ दिस हाई केज रोटर, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन रोटर कंडक्टर एट इट स्टार्टिंग टाइम, करंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से होता क्या है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है स्टार्टिंग के टाइम वो कम हो जाता है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाता है, रेसिस्टेंस इंक्रीज़ करने की वजह से जो टॉर्क होता है स्टार्टिंग के टाइम वो इंक्रीज़ कर जाता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड ऑन लीकेज रिएक्टेंस स्टार्टिंग के टाइम। जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्टार्टिंग के टाइम जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, टॉर्क इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के टाइम जो करंट का जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर बोल सकते करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिपेंड करता है लीकेज रिएक्टेंस के ऊपर। अगर लीकेज रिएक्टेंस अगर ज़्यादा है तो स्टार्टिंग का जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कम होगा, लीकेज रिएक्टेंस अगर कम होता है तो ऐसे केस में जो स्टार्टिंग का जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने पहली वाली मोटर के बारे में बात किया, जिसको हम लोग बोलते हैं डीप बार केज रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने बात किया, या फिर बोल सकते हैं डीप बार केज रोटर। अभी दूसरी मोटर के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल केज रोटर कंस्ट्रक्शन। हमने बात किया डीप बार रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में, राइट, हमने बात किया डीप बार रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने बात किया, अभी बात करते हैं डबल केज रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो डबल केज रोटर कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि नाम से पता चल रहा है डबल केज, तो डबल केज रोटर कंस्ट्रक्शन में हमें दो केजेस मिलने वाली है, पहली जो केज है वो है इनर केज और दूसरी जो केज है वो है आउटर केज। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कंस्ट्रक्शन, अगर हम लोग देखें तो जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो पहली वाली जो केज है, यहाँ पर ये पहली वाली जो केज है वो इनर केज है, और यहाँ पर ये दूसरी वाली जो केज है इसको हम लोग बोल रहे हैं आउटर केज, या फिर बोल सकते हैं पहली वाली जो केज है वो आउटर केज है, दूसरी वाली जो केज है वो इनर केज है। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ये पहली केज, ये दूसरी केज, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ये पहली केज और ये दूसरी वाली केज। तो यहाँ पर हमें दो केजेस मिल रहे हैं, यहाँ पर ये वाली जो केज है वो आउटर केज है और यहाँ पर ये वाली जो केज है इनर केज है। आप इसको कैसा याद रखोगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो आउटर केज है वो थोड़ी हमें ओ के जैसे दिखाई दे रही है, हम लोग बोल सकते हैं ये वाली जो केज है वो कौन सी केज है, आउटर केज है, और ये वाली जो केज है कौन सी केज है, इनर केज है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एयर गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये स्टेटर और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया रोटर, और स्टेटर और रोटर के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एयर गैप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों केजेस में हम लोग क्या रखते हैं, दोनों केजेस में हम लोग रखते हैं रोटर बार। तो बात करते हैं इसके बारे में,
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डबल केज रोटर में हमें दो केजेस मिलेंगे, नोन एज आउटर केज, पहला आउटर केज और दूसरा इनर केज। और दोनों जो केजेस होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं फॉर टू रोटर कंडक्टर। और ये दोनों केजेस में हम लोग दो रोटर कंडक्टर को प्लेस करते हैं। रोटर कंडक्टर इन दी केजेस आर शॉर्ट सर्किटेड बाय अ कॉमन एंड रिंग्स, दैट इज बोथ कंडक्टर C1 एंड C2 आर शॉर्ट सर्किटेड बाय अ कॉमन एंड रिंग। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये आउटर केज और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये इनर केज। आउटर केज में हम लोग कुछ इस तरीके से रखते हैं एक रोटर कंडक्टर, और यहाँ पर ये जो इनर केज है इसमें भी हम लोग कुछ इस तरीके से रखते हैं रोटर कंडक्टर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो रोटर कंडक्टर है, दोनों जो रोटर कंडक्टर है इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं एक ही एंड रिंग के साथ। ये दोनों जो रोटर कंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है। ऐसा नहीं कि ये वाला जो रोटर कंडक्टर जिसको हमने एक एंड रिंग से शॉर्ट किया और दूसरा वाला जो रोटर कंडक्टर है उसको हमने दूसरे एंड रिंग से शॉर्ट किया, ऐसा हम लोग बेसिकली नहीं करते। दोनों जो रोटर कंडक्टर होते हैं इसको हम लोग साइमल्टेनियसली एक ही एंड रिंग के साथ क्या करके रखते हैं, शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों जो कंडक्टर है, बोथ दी कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड बाय अ कॉमन रिंग। ये दोनों जो कंडक्टर होते हैं दोनों कंडक्टर को हम लोग शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं विद दी हेल्प ऑफ कॉमन रिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसका भी जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये वाली रोटर का, डबल केज रोटर का, इसका भी जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है जैसे हमने पहला डिस्कस किया था। स्टार्टिंग में जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऊपर की तरफ होता है, जिसके वजह से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कम होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से रेसिस्टेंस बढ़ता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बहुत हद तक क्लियर है, यहाँ पर ये जो हमें जो इनर केज जो दिखाई दे रहा है इसका जो डिस्टेंस है रोटर के कंपेरिजन में वो ज़्यादा है, और यहाँ पर ये जो आउटर केज जो दिखाई दे रहा है इसका जो डिस्टेंस है रोटर के स्टेटर के कंपैरिजन में वो कम है। यहाँ पर ये जो इनर केज है इसका जो डिस्टेंस है स्टेटर के कंपैरिजन में वो ज़्यादा है, और ये जो आउटर केज है इसका जो डिस्टेंस है स्टेटर के कंपैरिजन में वो कम है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इनर केज इज़ फार फ्रॉम स्टेटर, जो इनर केज है वो स्टेटर से दूर है, जिसकी वजह से होगा क्या, जो लीकेज फ्लक्स होगी और जो लीकेज रिएक्टेंस होगा इनर केज का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आउटर केज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लीकेज रिएक्टेंस है इनर केज का वो ज़्यादा होगा, जिसके वजह से होगा क्या, स्टार्टिंग का जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनर केज में वो कम होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था थोड़ा टाइम पहला, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है लीकेज रिएक्टेंस के ऊपर। लीकेज रिएक्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, लीकेज रिएक्टेंस अगर कम होता है तो जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो लीकेज रिएक्टेंस है इनर केज का वो ज़्यादा है, जो लीकेज रिएक्टेंस है इनर केज का वो ज़्यादा है, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ इनर केजेस है। तो इनर केज का लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, स्टार्टिंग का जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनर केज में वो कम होगा। एट स्टार्टिंग टाइम करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन आउटर केज वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमने ये समझा यहाँ पर ये जो इनर केज हमें जो दिखाई दे रहा है इसका जो लीकेज रिएक्टेंस है वो ज़्यादा है, लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होने के लीकेज रिएक्टेंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो इनर केज इसका जो डिस्टेंस है स्टेटर के कंपैरिजन में वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो इनर केज इसका जो लीकेज रिएक्टेंस है वो ज़्यादा है, लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टार्टिंग के टाइम ये इनर केज में कम होगा, इनर केज में कम होगा इसका मतलब करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आउटर केज में ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आउटर केज में यहाँ पर ये जो आउटर केज है इसमें जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, और यहाँ पर ये जो आउटर केज में हम लोग जो रोटर कंडक्टर जो रखते हैं इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से होता है क्या, स्टार्टिंग का रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो टॉर्क जो जनरेट होता है ये वाली मोटर में वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग के टाइम करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आउटर के केज में वो ज़्यादा होगा, जिसके वजह से ज़्यादा करंट फ्लो होगा आउटर केज में। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू हाई रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन आउटर केज में हमने जो कंडक्टर जो रखा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो टॉर्क होगा स्टार्टिंग के टाइम वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको ये जो कंस्ट्रक्शन हमने जो कंसीडर किया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डबल केज रोटर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करें, चाहे ये डिप बार रोटर कंस्ट्रक्शन कंसीडर करो या फिर ये डबल केज रोटर कंस्ट्रक्शन कंसीडर करो, दोनों केसेस में ऊपर के तरफ जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉटम सेक्शन, जिसके वजह से होता है क्या, करंट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कम हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से होता क्या, जो स्टार्टिंग का जो टॉर्क होता है ये केज रोटर का वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आउटर केज का जो रेसिस्टेंस होता है डबल केज रोटर में, आउटर केज का जो रेसिस्टेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। आउटर केज का जो रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनर केज, जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग टॉक होता है आउटर केज का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग टॉक ऑफ इनर केज।
रनिंग कंडीशन में होता है कि अंडर रनिंग कंडीशन इनर केज कैरीज मोर करंट एज कम्पेयर टू आउटर केज। रनिंग कंडीशन के टाइम क्या होता है, जो इनर केज होता है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है एज कम्पेयर टू आउटर केज, मगर स्टार्टिंग के टाइम जो आउटर केज होता है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है।